मध्य प्रदेश की तीसरी लिस्ट जारी होते ही केजरीवाल ने रच दिया इतिहास। देखते रह गए मोदी और शाह। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में पहली बार कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में नए जोश के साथ दिखाई दे रही है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपना दम दिखा चुकी है, जिसके बाद अब केजरीवाल मध्य प्रदेश में अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल मॉडल के दम पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीत हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की तीसरी सूची जारी कर दी है। ये तीसरी सूची जारी होते ही आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के दम पर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक नया जंग छेड़ दिया है, जहां लोग जात पात छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो केजरीवाल के द्वारा बड़ा इतिहास रच दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल के लिए भाजपा और कांग्रेस को हराना इस बार थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छे सीटों से जीत हासिल कर मध्य प्रदेश में अपना दम दिखा सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को मध्य प्रदेश के लोगों का कितना साथ मिलता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।